मैं पार्वती हूं, माया हूं, तो जहां आप रहेंगे वहां मैं नहीं रहूंगी, इसलिए मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती हूं, मेरे लिए संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मेरे लिए तुम राधा रानी से अभिन्न हो, क्योंकि जैसे राधा रानी मेरी आध्यात्मिक जगत में सेवा करती हैं, तुम मेरी भौतिक जगत में सेवा करती हो। जीव गोस्वामी भी तत्व संदर्भ में लिखते हैं, यन नामना नामनि दुर्गा हम गुड गुड वती हम यद वै भाव महालक्ष्मी राधा नित्या परद्वया। तो वो दुर्गा जो संसार में महामाया के रूप में आती है, वो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के रूप में। तो माया देवी जो है वो राधा रानी का विस्तार है, और माया देवी का काम एक ही है, जीवों को तब तक पिटाई देते रहना जब तक वो कृष्ण के पास वापस ना चले जाए। तो काम दोनों का एक ही है, क्या है, कृष्ण से मिलाना है। एक प्रेम देती हैं, दूसरा मार देती हैं, लेकिन काम एक ही है, कृष्ण से मिलवाना, एक ही काम है। तो इस तरह से ये सीमंत द्वीप की कथा आती है जो जीव गोस्वामी बताते हैं। फिर कई कुछ छठवीं शताब्दी में, सिक्स सेंचुरी में, छठवीं सातवीं शताब्दी में, तो एक समय ऐसा आया जब जगन्नाथपुरी में एक यवन राजा, या फिर आप बोलिए शासक, उसका आक्रमण हुआ, जिसका नाम था रक्तबाहु, क्योंकि वो ब्राह्मणों के रक्त को पीना वाला पसंद करता था, इसलिए उसका नाम था रक्तबाहु। तो जब इस रक्तबाहु ने जगन्नाथपुरी में आक्रमण किया, तो जगन्नाथ वो पुजारी के स्वप्न में आए और बोलने लगे कि रक्तबाहु यहाँ आक्रमण कर रहा है और बहुत सारे मंदिरों को वो तोड़ेगा, बहुत सारी विग्रहों को खंडित करेगा। तो वैसे मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ लीला करना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे यहाँ से दूर लेके जाओ और मेरी रक्षा करो। तो वो भगवान जो सबके रक्षक हैं, वह भी कह रहे हैं हमारी रक्षा करो ताकि भक्तों को सेवा मिले। तो उस तरह से जो जगन्नाथ के सेवक हैं, जिनको सबर कहते हैं, सबर जाति के हैं दैतपति, वो सबके सब जगन्नाथ को यहीं सीमंत द्वीप लेके आते हैं। तो इसी स्थान पर लेके आते हैं। तो ये जो पहला स्थान था, ये पहले इसका नाम राजापुर ही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजा रहा करते थे, जैसे लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, बल्लाल देगी अभी भी है वहाँ पर, तो ये सारे के सारे वहाँ राजा रहा करते थे। लेकिन मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण वो सब उसको छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी उसका नाम अभी भी राजापुर ही है, उसी की वजह से, क्योंकि राजाओं की नगरी है राजापुर। तो सबर जाति के लोग वहाँ पर चुपचाप उनको भगवान को लेके आए, उनको वहाँ स्थापित किया, और वहाँ पर सबर डंगा करके जगह है, सबर डंगा में जाकर रहने लगे। और ये जगन्नाथ का स्थान था, इसको बोलते थे समडंगा, सीमंत से आज नाम आया होगा समडंगा। तो यहाँ पे जगन्नाथ को रखते थे, उनकी बहुत पूजा करते थे, और लगभग 146 साल, 146 ईयर्स, तो 146 साल तक जगन्नाथ की सेवा यहाँ सीमंत द्वीप में की गई, तो काफ़ी लंबा समय था। उसके बाद वापस हिंदुओं का शासन हुआ पुरी में, और वहाँ के जो राजा थे, राजा ने उनको वापस पुरी बुलाने के लिए बोला, और फिर जगन्नाथ को वापस पुरी लेके जाए, लेके गए सारे भक्त लोग, वापस उनकी स्थापना की, पूजा चालू की। और इस समय शंकराचार्य का प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा था, तो वो राजा, उन्होंने शंकराचार्य को वहाँ बुलाया, और जैसा कि चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि शंकराचार्य शिव जी के ही अवतार हैं, यहाँ पर मायावाद असत शास्त्र देने के लिए आए थे। तो शंकराचार्य जब वहाँ पर आते हैं, तो तांत्रिक पद्धति के अनुसार वो सिखाते हैं कैसे जगन्नाथ की पूजा करनी चाहिए। तो आज भी जगन्नाथ की जो पूजा होती है वो तांत्रिक पद्धति के अनुसार होती है, क्योंकि तंत्र विद्या वो शिवजी ने ही दी हुई है, और वही शंकराचार्य के रूप में आते हैं। तो इस तरह से उनकी स्थापना की गई वहाँ पर। और यहाँ पर सीमंत द्वीप में अभी जगन्नाथ नहीं थे लंबे समय तक। फिर हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं इस धरातल पर,
तो पहले 24 साल वो मायापुर में थे और फिर उसके बाद में वो पुरी में रहते हैं। और यहाँ से बंगाल से सारे भक्त लोग पुरी जाया करते थे महाप्रभु से मिलने के लिए रथ यात्रा के पहले। तो एक महीने जाते थे, लगता था उनको पुरी जाने के लिए। उसके बाद 4 महीने चतुर्मास वहीं पुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और 1 महीना लगता था वापस आने के लिए। मतलब 6 महीना भक्ति और बाकी 6 महीने अपना अपना व्यवसाय। तो उस समय नवदीप में एक भक्त थे जो जगन्नाथ के काफ़ी अच्छे भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, जिनका नाम था जगदीश गांगुली। तो ये जगदीश गांगुली, इनकी इच्छा थी कि हर साल चैतन्य महापुरुष से मिलने जाया जाए, लेकिन बूढ़े होने के कारण इनकी नेत्रों की रोशनी चली गई थी, ये अंधे हो गए थे। तो ये जब भक्तों से कहने लगे कि हमको भी पुरी जाना है, चैतन्य महापुरुष से मिलने जाना है, तो बाकी भक्त कहने लगे देखिए बहुत कठिन होगा आपके लिए जाना, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे मार्ग से नहीं जाते हैं, हम लोग शॉर्टकट से जाते हैं। तो कभी कभी हमको वन में से गुजरना पड़ता है जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं। तो इसीलिए आप, वैसे भी आपकी आंखों की रोशनी चली गई है तो आपका जाना संभव नहीं है। तो इस तरह से जगदीश गांगुली बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो मन ही मन सोच रहे थे मैं कितना अभागा हूँ कि ना ही मुझे जगन्नाथ के दर्शन हो रहे हैं और ना ही गौरंग महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो इस जीवन को, इस शरीर को रखने से क्या लाभ, इससे अच्छा होता है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो इस तरह से आत्महत्या का मन में विचार रख के जैसे ही वो गंगा में छलांग लगाते हैं, तुरंत क्या होता है, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आके उनको टकराता है। और भगवान उनको बोलते हैं, वैसे उनको पहले ही दर्शन दे देते हैं, कहते हैं कि इससे मेरी विग्रह का निर्माण करो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्योंकि मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। अपने भक्तों से सेवा लेने में मुझे बहुत आनंद आता है। और फिर वो बताते हैं सपने में, कहते हैं जगदीश गांगुली को कि मेरा एक और भक्त है यही नवदीप में जो विग्रह का निर्माण करता है, लेकिन अभी उसको कोढ़ हो गया है। तो कोढ़ के कारण वो, उसने अपना काम छोड़ दिया है, पर उससे बोलना कि जैसे जैसे मेरी विग्रह का वो निर्माण करेगा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो जगदीश गांगुली उनके पास जाते हैं और आग्रह करते हैं कि आप निर्माण करिए, और बताते हैं कि जगन्नाथ ने ऐसा स्वप्न में कहा है। तो वो कहने लगे अरे भाई बहुत लंबा समय हो गया है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को देख लीजिए। तो जगदीश गांगुली के कई बार कहने पर भी जब वो मना कर देते हैं तो जगदीश गांगुली और लोगों के पास जाते हैं कि आप निर्माण करिए जगन्नाथ का। लेकिन जो भी जगन्नाथ का निर्माण करने के लिए जाता था, सबके छेनी हथौड़े सब टूट जाते थे, 1, 2, 3, 4 सबके पास गए, सबके छेनी हथौड़े टूट गए। सब कहने लगे कि अगर जगन्नाथ का मन है कि अपने भक्तों के हाथों से आए हैं तो अपने भक्तों के हाथ से ही आएंगे। वापस जगदीश गांगुली जाते हैं, बोलते हैं देखो सब लोगों ने मना कर दिया है और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जब जगन्नाथ ने सपना दिया है तो आपके हाथ से ही आएंगे। तब जाके वो कोड़ी जो भक्त था वो तैयार हो जाता है, और जैसे जैसे वो जगन्नाथ की वगैरह का निर्माण करना चालू करता है, उसका कोढ़ भी एक एक करके ठीक हो जाता है। और जैसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ पर आते हैं, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और सारे भक्त लोग ना जगन्नाथ की महिमा गाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस तरह से राजापुर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट होते हैं। फिर ये जगदीश गांगुली काफ़ी समय तक उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन जैसा समय व्यतीत होता है, आगे की पीढ़ी जो थी उनकी, वो भगवान की वैसे सेवा नहीं कर पाती है। और जैसा कि नवदीप महात्म्य में भी लिखा हुआ है, 100 वर्ष तक गंगा देवी जो सांप की तरह चलती हैं गौरंग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो वो बहती हैं और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, फिर राधापुर, ये सब के सब जल में मग्न हो जाते हैं। और लगभग 100 वर्ष तक किसी को पता नहीं था मायापुर कहाँ है, राधापुर का है, तो सबके सब जल के गंगा के नीचे थे। तो इसीलिए काफी लंबे समय तक भगवान की पूजा नहीं होती है। लेकिन आज से कुछ 60-70 साल पहले की बात है, किस तरह से जब किसी को पता नहीं था कि वहां कोई जगन्नाथ भी हैं,
तो वहां पर एक भक्त थे जिनका नाम था जैमिनी घोष। तो जैमिनी घोष वहीं पर पास में रहा करते थे, और एक बार वो साइकिल में जा रहे थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान ने पहले लीला की, अभी लीला क्यों नहीं करते हैं? अभी भी लीला करते हैं, इसलिए मैंने बताया, ये सब नजदीकी की लीला है। तो जैमिनी घोष अपनी साइकिल में जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, उनकी साइकिल हिलने लगी और वो बम्बू के पेड़ से जाके टकराए और टकरा के गिर गए। और बंगाल में सबको पता है, जहां बम्बू का पेड़ होता है वहां क्या दिखाई देता है, क्या होता है वहां, कोई भूत प्रेत होता है। तो जैमिनी घोष ने जैसे देखा कि अरे बम्बू के पेड़ से टकराई है और गिर गई है, तो बुरी तरह से डर जाते हैं, लगते हैं अरे कोई भूत ने हमको पकड़ लिया है। तो इस तरह से डर के मारे वो कांपने लगते हैं। उस समय उनको आवाजें वहां से सुनाई देती हैं, कहते कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रहो। तो जैमिनी घोष बोले, अरे क्यों परेशान कर दो, हमको छोड़ दो। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो वहां से आवाज आती है, अरे मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो बोले, मित्र है तो साइकिल से क्यों गिरा दिया, मित्र थोड़ा साइकिल से गिराता है। तो कहते वाकई में अगर तुम हमारे मित्र हो तो हमारे चाचा के घर हमको वापस भेज दो, वो अपने चाचा के घर में रहा करते थे। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है जाओ। तो इस तरह से जैमिनी वापस अपने चाचा के घर चले जाते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो सपने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट होते हैं। कहते हैं कि अरे मैं वहां पर था, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाए, तुमको लग रहा था कोई भूत है, भूत नहीं था, मैं था वहां पर। तो जिस स्थान पर तुम गिरे थे वापस वहां पर जाओ, देखो हम तीनों के तीनों वहां पर हैं, और हमारी इच्छा है कि तुम जल से, दूध से और कुछ फल से मेरी पूजा करो, ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा पानी देना है, दूध देना, और घोष लोग तो दूध देते हैं, तो दूध देना और थोड़ा सा फल देना है। तो इस तरह से जैमिनी घोष तैयार हो जाता है और वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखता है। तो बताते हैं कि उस समय लगभग 70-80% जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो एक मिट्टी के ढीले से ढके हुए थे, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई थी और वहां पर चींटियां रहा करती थी। लेकिन जैमिनी घोष के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, और आपस के जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं, बताते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मुस्लिम भी रहते हैं, तो बताते हैं कि यहां से कुछ तो अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ता है। और ये जो तीनों ढीले थे वहां पे एक पीपल का पेड़ था और एक बरगद का पेड़ था, तो दोनों के दोनों पीपल और बरगद के पेड़ के बीच में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर सुरक्षित थे। और वो लोग कहते थे कि हमको कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन यहां पे किसी बड़े आदमी के चलने की आवाज आ रही थी, कोई बड़ा यहां घूम रहा है। तो जब जैमिनी घोष ऐसे सुनते हैं और भगवान स्वप्न में आए थे, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की वहां पूजा करना चालू करते हैं। और जैसे जैसे वो पूजा करते हैं वैसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी मिट्टी के ढीले से अपने आप ही ऊपर आना चालू कर देते हैं। और कुछ समय बाद वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो इस तरह से वो वहां पर प्रकट होते हैं। और फिर उसी समय एक और भक्त थे जिनका नाम था फटक चटर्जी, वो भी वहीं के रहने वाले, तो वैसे तो वो देवी काली देवी के उपासक थे,
लेकिन साथ साथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की भी पूजा कर दिया करते थे। तो जब 1971 की बात है, सबको पता है बंगाल में 1971 का समय जब भारत और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, तो उनकी 6-7 पुत्रियां थी, कोई बोलता है 6 कोई बोलता है 7, तो 6-7 बेटियां थी उनकी, और सारा जो एरिया था वो मुसलमानों से घिरा हुआ था। तो उनको बड़ा टेंशन, उनको लगा कि एक युद्ध का समय है, बांग्लादेश के साथ युद्ध चल रहा है, तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल तो बगल में है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम सब छोड़ छाड़ के कटवा जाएंगे, और यहाँ पर जो आसपास के मुसलमान लोग थे वो कहने लगे, आप चिंता मत करिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप यहीं पर रहिए, कहीं मत जाइए। तो फिर वो कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत होगी सुरक्षा, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक दो नहीं, इतनी सारी बेटियाँ हैं हमारी और कोई बेटा है नहीं। तो वो छोड़कर कटवा चले जाते हैं, और जब वो कटवा जाते हैं तो एक दिन अचानक सी बात है कि सारे सारे मुसलमान लोग आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं जोर जोर से, बोलते हैं उठ जाइए उठ जाइए। वो बोले, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, युद्ध का समय है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, आपको जो बोलना हो बाहर से बोलिए। तो सारे मुसलमान लोग कहते हैं आप वहाँ पर आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, क्योंकि क्या करें, वहाँ पर ये तुम्हारा जो भगवान है वो जोर से चिल्ला रहा है, बोला भूख लगी कुछ खाने को दो, मेरी पूजा करने वाले खिलाने वाले कहाँ चले गए, सब भाग गए, और वो बोलेंगे अगर ऐसे मैं भूखा रहा तो सबका विनाश कर दूंगा। तो कह रहे, हमको बड़ा डर लग रहा है, सबका विनाश से अच्छा है कि हम आपकी सुरक्षा करते हैं, तो आप लोग चिंता मत करिए, अपनी जान पे खेल के हम आपकी परिवार की सुरक्षा करेंगे, आप वापस आ जाइए। तो ये सुन के ये फटिक जो चटर्जी हैं, ये वहाँ पर आते हैं, वापस आते हैं, और अपने परिवार के साथ में वहाँ रह के जगन्नाथ की सेवा चालू करते हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं अपने पुराने दिनों की बात, वो कहते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी उसको मेंटेन करने में, तो किसी तरह से उन्होंने आसपास के जो लोग थे उनसे धन एकत्रित किया, जो टूटा फूटा मंदिर था उसको स्थापित किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वापस ठीक ठाक करके स्थापित किया। और हमेशा उनको चिंता बनी रहती थी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मेंटेनेंस कैसे होगा। कह रहे, लेकिन आश्चर्य की बात है, उस दिन उतनी डोनेशन आती थी जितना उस दिन भोग लगाने के पर्याप्त है। तो इस तरह से सब काम चल रहा था कई सालों से। और फिर वो अपने और भी इंसिडेंसेस बताते हैं, फिर एक बार बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी, तो बेटी की शादी के समय कुछ लोग आए, उनको समझ में आ गया था ये लोग चोरी करने वाले लोग हैं, ये लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लेकिन क्योंकि शादी का समय था वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए उनको, तो उनको आमंत्रित किया, वहाँ पर रखा। और फिर अचानक से कुछ तो हुआ, 7-8 लोग आपस में बैठे हुए थे, साफ समझ में आ रहा था कि चोर हैं, पर उनमें आपस में झगड़ा हुआ और वो वहाँ से चले गए। और कुछ दिनों बाद वो वापस इनके घर में आते हैं और ज़ोर से फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं हमको आपसे बात करनी है। रात का समय था, फटिक चटर्जी बोले कि हमको आपसे बात नहीं करनी है, बाहर से ही बात करिए। तो वो कहने लगे कि उस दिन हम लोग आपके घर में चोरी करने के लिए आए थे, हमको मालूम था शादी का समय है, कम से कम कुछ सोना तो होता है यहाँ वहाँ, तो हम सोच रहे थे कि आपके यहाँ से सोना को लूट के लेके जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हम सबको आपके ऊपर कुछ अलौकिक रोशनी जैसी दिखाई दी, तो हमको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक से हमारा एक मित्र था वो गुस्सा हो गया, आपस में सब लोगों के झगड़ा हो गया और हम सब लोग वहाँ से चले गए। तो ये जो आपके भगवान जगन्नाथ हैं, वैसे हम जगन्नाथ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है ये जगन्नाथ ने ही आपकी रक्षा की, जगन्नाथ स्वामी की। और फिर क्योंकि वो काली की पूजा उपासक भी थे, तो एक बार की बात है कि वो बकरे को लेके आए थे बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन बकरा अचानक से गायब हो गया वहां से, तो खोज रहे थे नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि जाके खोज के आओ। तो बेटी थी और बेटी की चचेरी बहन, वो दोनों के दोनों बकरे को खोज रहे थे, पर वो जहां खोज रहे थे उनको जगन्नाथ ही दिखाई दे रहे थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद में जो ये जेमिनी घोष थे,
उन्होंने उनको पूछा कि आपको कुछ अद्भुत दिखाई पड़ा क्या आज? बोले हाँ कुछ तो अलग दिखाई पड़ा। तब उनको समझ में आया कि जगन्नाथ ने गायब किया, जगन्नाथ नहीं चाह रहे थे हमारी जगह पे कोई बकरे की बलि चढ़ाए, इसलिए जगन्नाथ ने वो गायब किया था, उनको समझ में आया। फिर वही बताते हैं फटक चक्रवर्ती, एक और अपनी कथा बताते हैं। कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनका नाम निर्मला देवी, तो ये अचानक से एक दिन निर्मला देवी बहुत बीमार थी और लग रहा था कि आज प्राण त्याग देंगे। तो वो जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे, बार बार जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक उन्हें शाम के समय देखा कि वहाँ पर किसी चरण के निशान हैं और बहुत बड़े बड़े चरण हैं, पैर हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा, देखा ये तो जगन्नाथ के चरण हैं। तुरंत उन्होंने उसको वहाँ पे जो मिट्टी थी उसको एकत्रित किया, थोड़ा अपने सर में लगाया और अपनी पत्नी के शरीर में लगाया, और जैसे ही पत्नी के शरीर में लगाया थोड़ी देर में वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई। जगन्नाथ स्वामी की, तो इस तरह से वो लीला बताते हैं। और 1978 में परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज जब वहाँ पर नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तो 1978 की बात है, तब फटिक चटर्जी ने वहाँ पे देखा कि इतने सारे विदेशी भक्त आए हैं, नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहे हैं और ये लोग जगन्नाथ की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तब उन्होंने जयपता का महाराज से आग्रह किया कि आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अपने पास ले लीजिए, और तब से वो इस्कॉन के साथ में है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और जब भक्तों को ये मंदिर मिला तो मंदिर में वो ठीक ठाक काम करने लगे, और उसी समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक शिवलिंग भी है, क्योंकि शिव जी को क्षेत्रपाल कहते हैं और वो जहाँ जहाँ कृष्ण के और भगवान विष्णु के मंदिर होते हैं शिव जी उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन उस समय शिव जी काफ़ी मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, तो एक भक्त को बोला गया था आप शिव जी की पूजा करिए। तो आज भी आप जाएंगे राजापुर में वो शिव जी हैं। तो उस समय एक भक्त थे, उनको लगा कि ये शिव जी नहीं है, ये कोई पत्थर है और हमारे भक्त लोग पागल हैं, किसी की भी पूजा करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको जोर से पैर मारा उसको, बोले पत्थर है शिव जी नहीं है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पैर मारा, जब घर पहुंचे तो देखा कि बेटा बीमार है, तो बेटे को यहां दिखा रहे हैं वहां दिखा रहे हैं, कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं। फिर उनके सपने में शिव जी आए और बोले कि ये मेरा ही स्थान है, इसलिए जाके मेरी पूजा करो, सेवा अर्चना करो। और जब पूर्ण रूप से उनको शिवजी को निकाला गया, सबको पता चल गया ये शिवजी हैं, कोई पत्थर नहीं है। अभी आप देखेंगे इतने बड़े शिवलिंग हैं। तो ये उस समय से, तो ये भी जो कथा थी वो सीमंत द्वीप में ही हुई। और उसके बाद जब भक्त लोगों ने उसको ले लिया अपने उसमें, इस्कॉन के अंडर में आ गया, तो उस समय क्या था, बहुत सारे लोग थे जो उसके साइनर थे, जो क्लेम कर रहे थे ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन भक्तों ने जगन्नाथ जी का कुछ भोग लगाना चालू कर दिया था, तो राधा माधव को जो भोग लगता था पंचतत्व को, उसमें से एक टिफिन जाता था जगन्नाथ के भोग के लिए, और जो पुजारी थे वो उससे भोग लगाया करते थे उस समय। पर एक दिन क्या हुआ, भोग लगाते समय वो तुलसी भूल गए और एक ही भक्त जाते थे वहां से भोग लगाने के लिए। तब उन्होंने सोचा कि अभी तुलसी हम वापस लेने जाएंगे तो मंदिर खोल के रखा हुआ है, अभी तुलसी कहीं ढूंढेंगे तब तक कोई बच्चा घुस जाएगा, कोई कुत्ता घुस जाएगा, जगन्नाथ को अपवित्र कर देगा, कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं, हम अकेले हैं। तो भोग लेके आया और फिर वो जगन्नाथ से क्षमा मांगने लगे, बोलने लगे हमसे भूल हो गई, तुलसी हम लेके नहीं आए। तो आप तो बोलते हैं कि बिना तुलसी अर्पण किए कोई भी भोग नहीं लगा सकते, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, आपको ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा। और इस तरह से वो बाहर जाता है, सोचता है गायत्री कर लेते हैं, गायत्री करने के बाद में फिर भगवान को भोग लगाएंगे। लेकिन जब वो गायत्री करके अंदर जाता है तो देखता है कि एक छोटे से बैग में तुलसी रखी हुई है उधर पर। तो वो देखते हैं कि देखो जगन्नाथ की अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं, जो त्रुटि रह जाती है जगन्नाथ उसको पूरा करते हैं, जगन्नाथ स्वामी की।
और फिर बहुत सारे क्योंकि साइनर थे तो एक समय ऐसा आता कि समझ में नहीं आ रहा था ये प्रॉपर्टी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वहां से जयवता का महाराज कहते हैं कि जब तक पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तब तक कोई हम ज्यादा पूजा वगैरह नहीं करेंगे वहां पे। जब पूरे स्कॉन के अंडर में आ जाएगी तो हम अच्छे से पूजा चालू करेंगे। तो एक दिन पूरा क्या था, एक दिन जगन्नाथ को भोग नहीं चढ़ाया गया। तो यही जो भक्त थे जो पूजा करते थे उन्होंने सपने में देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपनी वेदी से ऊपर उठे और भागने लगे और ये भक्त उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वो पूछने लगे आप कहाँ जा रहे हैं? तो जगन्नाथ उनसे बोले जब तुम यहां नहीं खिलाओगे तो हम जाके वहीं पर राधा माधव के पास जाके खाएंगे। हाँ, तुम लोग ऐसा भूखा रख रहे हो और हमको तो दिन भर खाने की आदत है, तो कम से कम कुछ तो खिलाओ। तो जब ये भक्त को ये सपने में आता है तो फिर वो जाके जयपता का महाराज से बोले और महाराज बोले हमको पता नहीं था कि आप लोग पहले से भोग लगा रहे हैं, चुपचाप लगा रहे हैं तो फिर अच्छे से भोग लगाइए। तो उसके बाद में जगन्नाथ के 21 भोग लगना चालू हुए और धीरे धीरे करके अभी 56 भोग लगते हैं जगन्नाथ स्वामी की। तो ये हमारे भक्तों के साथ उन्होंने जो आदान प्रदान किया। पर आसपास के भी जो लोग हैं वो सब जगन्नाथ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं। उसका कारण क्या है कि आसपास के लोगों के साथ भी भगवान ने बहुत लीलाएं की है। तो एक समय ऐसा था जब वहाँ पर कॉलरा बहुत फैल रहा था और स्थानीय लोग बड़े परेशान थे, सब लोग बीमार थे, सब लोग अस्पताल में थे। तो वो लोग पुजारी के पास आए, बोले कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या? तो पुजारी बोला कि हमको पता है, हम कुछ यहाँ पे दवाई बना सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें बोली जो दवाई के लिए चाहिए। तो सारे भक्त लोग सबको तो जुगाड़ लेते हैं लेकिन एक औषधि ऐसी थी जो ढूंढ कर भी वहाँ कहीं मिलती नहीं है। तो सब लोग बड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन शाम के समय एक सुंदर सा बालक आता है और उनको बहुत सारी औषधि लेके देता है और गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं तो उनको ये पता था कि ये नवदीप का नहीं है, कहीं और का है। और वो पुजारी क्या करते हैं, उससे दवाई बनाते हैं और सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि वो औषधि मिली कहाँ से? तब उन्होंने बताया कि बड़ा सुंदर सा बालक आया था और वो देखे गया। तब उनको समझ में आया कि जगन्नाथ की कृपा है, इसलिए वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान भी हैं वो जगन्नाथ पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत पूजा करते हैं जगन्नाथ स्वामी की। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी लीलाएं की उनके साथ जगन्नाथ ने। एक बार उसी स्थान पर एक लड़की थी, तो वो भी दूसरे धर्म से थी, तो वो वहीं पर जगन्नाथ के आंगन में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उसने क्या किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ओर अपने पैर कर दिए। तो वहां पे जो पुजारी थे, पुजारी बोले भगवान के सामने पैर नहीं दिखाने चाहिए। तो वो कहते कि हम इन सब पे विश्वास नहीं करते। उसी रात को क्या हुआ, उसके पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि कुछ ही हफ्तों में उसके दोनों पैर खराब हो गए। तो वो लड़की अभी तक जिंदा है पर वो दुखी नहीं है, वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो कहती है कि जब भी मैं अपने पैर देखती हूँ मुझे जगन्नाथ की याद आती है कि जगन्नाथ के चरणों में अपराध किया। तो भले ही बाहर से लग रहा हो कि जगन्नाथ गुस्सा हो गए, जगन्नाथ ने दंड दिया, लेकिन ये जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है। तो इस तरह से जगन्नाथ उसके साथ ऐसा करते हैं। फिर एक बार की और बात है कि वहां पर एक रिक्शा वाला था, वो भी दूसरे अन्य धर्म से था। तो वो वहां पर आया और हमारे भक्त लोग मंदिर के बाहर प्रांगण में प्रसाद वितरण कर रहे थे। तो जब वो उस व्यक्ति को उन्होंने प्रसाद दिया तो उसने बोला कि हम प्रसाद पर ये विश्वास नहीं करते, और उसने क्या किया, द्रोण का प्रसाद लेके फेंक दिया। और फिर अगले दिन वो आया तो सिर्फ अकेला नहीं आया, अपने बहुत सारे मित्रों को लेके आया और सबके सब कहने लगे कि प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। तो हमारे जो भक्त वितरण कर रहे थे बोले कल तो दिया तुमने, फेंक दिया, अब पूरा प्रसाद फेंकोगे क्या? कह रहे फेंकेंगे नहीं, सब लोग खाएंगे, चिंता मत करो। और सब लोग को जैसे ही प्रसाद दिया, सब लोग द्रोण में जोर जोर से जगन्नाथ की खिचड़ी खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे?
बोले कि हमारे चेहरे पे देखो, समझ में आएगा। बोले जब आपका प्रसाद छोड़ा, फेंका हमने और हम सोने के लिए गए, तो हमने सपने में देखा कि ये जो आपका सफेद वाला है ये बहुत गुस्से में है। तो इसने दरवाजा खोला, अंदर आया और जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। और जो एक काला वाला था वो बोला था छोड़ दो भाई, गलती हो गई है। और ये सफेद वाला बोला तुमने मेरे भाई का प्रसाद फेंका है, तुमको हम अच्छे से दंड देंगे। और जो पीली वाली जो ये है बीच में, ये कह रही थी इसको और मारो और मारो, छोड़ना नहीं। काला वाला दयालु था, बोला छोड़ दो छोड़ दो। पीली वाली बोले नहीं, इसको छोड़ना नहीं, इसको बहुत मारना है अच्छे से। तो बोले कि अब हमको समझ में आ गया कि ये जो आपके भगवान हैं थोड़े से गुस्सा वाले हैं, अभी हम कोई अपमान नहीं करेंगे। जगन्नाथ स्वामी की, तो ऐसा नहीं, भगवान सिर्फ हिंदुओं के भगवान है, भगवान सबके भगवान है, वो जगन्नाथ हैं, सबके नाथ हैं। फिर जो योगपीठ में प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे जो समय गौड़िया मठ चला रहे थे, तो वो एक कथा सुनाते हैं कि ये इस्कॉन में जगन्नाथ को कि जब विग्रह मिले, उसके पहले की बात है कि वहां के जो पुजारी थे जब वो भोग लगा रहे थे तो वो ध्यान से भोग नहीं लगा रहे थे। जो प्लेट थी वो खुली हुई थी, आसपास जो पक्षी थे पक्षी भी ऊपर से देख रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ वहाँ मलमूत्र भी कर रहे थे। और फिर वो क्या हुआ, वो जो भोग है वो जगन्नाथ के पास गया तो वो कहने लगे, मन में तो कर रहा था कि उनको सलाह देंगे भाई ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्योंकि वैष्णव लोग विनम्र होते हैं, बोले क्या सबको करेक्ट करेंगे। लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा जब वो वापस गए तो वो जो भोग की प्लेट थी वो पूरी तरह से ढकी हुई थी। तब उन्होंने पूछा, बोला कि ये प्लेट ढकी हुई क्यों है। बोले कल रात को ही एक बूढ़ी महिला आई जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने हमको बोला कि देखो तुम भोग ठीक से नहीं लगाते हो, तो भोग को ऊपर से कवर करके रखना चाहिए और कोई और अन्य व्यक्ति इसको ना दिखे, किसी के खाने की इच्छा हो उससे पहले जगन्नाथ को भोग लग जाना चाहिए। तब उनको समझ में आया कि ये जगन्नाथ की कृपा है, क्योंकि वो स्त्री पहली बात तो वहाँ पे सुबह थी नहीं जब उन्होंने ऐसा देखा था, वो अकेले थे और वो पुजारी था और वहाँ पर उस समय कोई रहता नहीं था। तो उनको समझ में आया कि जगन्नाथ अपनी देखभाल करने के लिए काफ़ी है, जगन्नाथ स्वामी की। तो ये लीला वहाँ पर हुई। फिर एक और बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी हमारे भक्तों को बता रहा था कि कैसे, जब वो छोटा था 10 साल का, लगभग 10 साल की आयु थी, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर के आसपास खेल रहा था जब इस्कॉन के हाथ में नहीं था। तो जैसे हमने बताया कि जो मंदिर था जीर्ण अवस्था में था, काफी टूटा फूटा था, तो उसने क्या किया, मंदिर की दीवार से एक पत्थर उठाया और पत्थर वहां फेंक दिया बाहर। तो बोले उस रात को ही बलदेव सपने में आए, बोले ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर की प्रॉपर्टी को तुम हाथ लगाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ का एक पैसा एक प्रॉपर्टी किसी और हाथ में नहीं जानी चाहिए, तो जो भी इसका दुरुपयोग करेगा उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, उनका बड़ा भाई बलदेव। तो बोले कि उन्होंने ऐसा डांटा हमको, अगले दिन हम गए फिर से वो पत्थर को धोया साफ किया और फिर वहीं पर उसे उस स्थान पर रख दिया, जगन्नाथ स्वामी की। तो इस तरह से दाऊ जी महाराज बहुत गुस्से में रहते, तो वो लीला भी वहाँ पर हुई। फिर वहाँ पर और भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, कुछ लीलाएं और बताते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग स्त्री अभी भी रहती है, मुस्लिम स्त्री, तो वो बता रही थी, कहते कि जब वो छोटी सी थी तो उस समय धीरे धीरे करके उसकी जो आँखों की रोशनी थी, आँखों की रोशनी धीरे धीरे करके कम होने लगी, मंद होने लगी, और वो बार बार कलकत्ता आती थी दिखाती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे करके इतनी कम हो गई वो लगभग अंधी हो गई थी। और उसके पिताजी ने उसको जो भी दवा लगती है दुआ लगती है सब कुछ किया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था।
तो फिर वो लड़की, उसके पिता ने सोचा कि कम से कम यहाँ पे जो जगन्नाथ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पे दिखाते हैं। तो वो लोग गए, जगन्नाथ को पूजा की, प्रार्थना की, और फिर जगन्नाथ का उसने दिन में 3 बार चरणामृत लेना चालू किया। कि वहाँ के जो पुजारी थे, पुजारी ने बताया कि चरणामृत में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो सकता है। और क्योंकि किसी तरह से उनको विश्वास आ गया था, तो दिन में 3 बार चरणामृत लेती थी, और कुछ 8-10 दिन में ही उसकी पूरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो वो बोले कि इसलिए आज तक हम भले ही दूसरे धर्म से हैं, लेकिन आज भी हम जगन्नाथ के मंदिर जाते हैं और जगन्नाथ के दर्शन लेते हैं, जगन्नाथ स्वामी की। तो ये भी लीला वहीं पर हुई। फिर एक बार वहां पर कुछ स्टूडेंट्स आए दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बड़ा सुना था जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। ये भी बहुत पुरानी बात है, आज से 50-60 पहले की, 40-50 साल पहले की बात है। तो जब तक वो जगन्नाथ मंदिर आए, तो रात का समय हो गया था, और उस समय मायापुर में उतनी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, आज से 40-50 साल भी ज़्यादा नहीं थी, और उस समय तो कहने की क्या बात है। तो उस समय एक छोटा सा एक दीपक जलता था, दीपक से जितनी रोशनी होती थी उतनी हो पाती थी, लेकिन जब तक ये लोग स्टूडेंट लोग वहाँ पर पहुँचे, तो काफ़ी शाम का, संध्या का समय हो गया था, और स्टूडेंट लोग बड़े दुखी थे, कह रहे इतना हमने सुना था कि जगन्नाथ हैं, दर्शन करने के लिए कम से कम कुछ तो रोशनी होनी चाहिए। तो पुजारी कहने लगा, देखिए भाई यहाँ कोई बिजली तो है नहीं, और हम, मैं भी गरीब हूँ, जो दीपक है उसी से जगन्नाथ को दिखा सकता हूँ। पर दीपक से ज़्यादा रोशनी नहीं हो रही थी, तो उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर वो जो स्टूडेंट लोग थे, वो जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि जगन्नाथ कुछ तो व्यवस्था करिए। लेकिन क्या व्यवस्था करें, आसपास कुछ था ही नहीं। फिर पुजारी ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आरती का समय हो गया। और जब वो आरती करने लगा, तो धीरे धीरे पंच प्रदीप के कारण उनको कुछ कुछ जगन्नाथ के दर्शन हुए। लेकिन जैसे ही उस पुजारी ने वो पंच प्रदीप जगन्नाथ के सामने रखा, अचानक से पंच प्रदीप की लौ 9-10 इंच मोटी हो गई। तो आप समझ सकते हैं, लगभग इतनी इतनी लौ हो गई। उसकी वजह से इतनी रोशनी हो गई कि सारे छात्रों को अच्छे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन हुए, जगन्नाथ स्वामी की। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते हैं, श्रद्धा के साथ जो भी भगवान के पास जाता है, भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो ये लीला भी वहीं पर होती है। फिर कई लोग हैं, जैसे बलराम के बारे में हमने बताया, बलदेव बड़े स्ट्रिक्ट हैं, सामान कुछ यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक और बार की बात है कि एक वहाँ पर चोर था, तो जब जगन्नाथ जी के मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमारे भक्त लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो मार्बल आपने देखा होगा मंदिर में, मार्बल बिछाया हुआ है, तो भक्त लोगों ने मार्बल रखा हुआ था। तो वो क्या करता है, वो चुपचाप मार्बल लेके उसको चोरी करके लेके जा रहा था। जैसे ही वो चोरी करके लेके जा रहा था, तो उसने कहीं छुपाया, और रात के समय फिर बलराम जी वहां पर आए, और बलराम जी आए और जोर से उसको थप्पड़ लगाए, बोले हमारे यहां से मार्बल चोरी करके लेके जा रहे हो। बोले कि अगर मार्बल चोरी हुआ, इतने सारे छोड़ो जितना तुम लेके गए हो, एक भी मार्बल का टुकड़ा चोरी हुआ, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। वो डर के मारे अगले दिन आया, और सारे भक्तों के सामने मार्बल रखे गया। बोले बलदेव बड़े भयानक हैं, चोरी नहीं कर सकते यहां से। और हमारे एक भक्त थे साधना सिद्धिप्रू, तो उनका बेटा भी एक दिन आया, वो रोते रोते आया। तो उन्होंने बोला, बेटे से पूछे, बेटे का नाम दालिम था, तो पूछा क्या हुआ। बोले बलदेव ने जोर से थप्पड़ मारा है। बोले थप्पड़ मारे क्या हुआ। बोले जो सुभद्रा महारानी है, सुभद्रा महारानी के गहने हमको बड़े अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा हम थोड़ा लेके खेलते हैं। जैसे ही हम सुभद्रा महारानी के गहने लेने गए, बलदेव ने जोर से जड़ा। तो वो कहने लगे, चलो भगवान की कृपा मिली है। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारे आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ में। तो ये तो जगन्नाथपुरी की है।
क्योंकि 10 मिनट बचे हैं। तो इस्कॉन में जो बहुत सारे भक्त हैं बाहर के भी, तो सिर्फ राधापुर में नहीं पूरी दुनिया में देखते हैं भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। कभी कभी कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस्कॉन में रथ यात्रा कैसे चालू हुई, तो उसी भी कुछ लीला है। तो खासकर जब स्थापना की पहली लीला सुनाते हैं, तो प्रभुपाद जब विदेश में गए तो ज्यादा उनके पास सामान नहीं था, खासकर जब मूवमेंट चालू की, तो एक बार उनके पास हनुमान जी की फोटो थी, तो कुछ भक्त लोग पूछ लेंगे प्रभुपाद से कि ये क्या बिल्ली है, प्रभुपाद ने कहा बिल्ली नहीं है, बंदर के रूप में है पर भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। तो भक्तों को कुछ पता नहीं था। एक दिन मालती माता जी वहां पर कुछ लेखी आई प्रभुपाद के सामने, उन्होंने सोचा कि ये इंडियन स्टोर से है, प्रभुपाद को बहुत पसंद आएगा। प्रभुपाद ने जैसे उसको देखा तुरंत दंडवत प्रणाम किया, तो उन्होंने बोला कि ये कौन है, तो बोले कि ये सफेद वाला है, काला वाला कहाँ है, एक काला वाला होगा एक पीला वाला होगा। तो मालती माता जी बाद में बताती हैं, बोलते हम लोग तो हिप्पी थे, तो हम लोग कभी कभी चीजों को खरीदते नहीं थे, चोरी भी कर लेते थे, तो किसी तरह से हम एक डब्बे में से ये बलदेव लेके आए थे, हमने तो बलदेव तो चोरी कर ली है, अब जगन्नाथ और सुभद्रा कैसे चोरी करेंगे। लेकिन वो किसी तरह से क्या करते हैं, वो जगन्नाथ सुभद्रा भी लेकर आते, शायद इस बार खरीद के लाई होंगे। तो जब वो छोटे छोटे लेके आती हैं, तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि इनकी क्या बड़े बड़े बन सकते हैं। तब श्याम सुंदर प्रभु उन्हीं की बड़ी बड़ी विग्रह बनाते हैं। तो उस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहली बार इस्कॉन में स्थापित होते हैं। और जब स्थापना हो रही थी तो उस समय भक्तों को ज्यादा पता भी नहीं था, तो वो पूछने लगे कि ये भगवान की विग्रह कैसे स्थापित होगी। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, आप कैंडल लेके आइए सब लोग, और कैंडल को भगवान के सामने तब तक घुमाइए जब तक आप थक ना जाए। जब एक आदमी थक जाएगा दूसरे को दे दीजिए, दूसरा क्या करेगा वो भी कैंडल घुमाएगा, और सब लोग हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, और इस तरह से भगवान हमारी सेवा लेने के लिए प्रकट हो जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी की, तो किसी ने ट्रेडिशन में आज तक सोचा नहीं होगा कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। तो इस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन के अंदर आए, जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत विषय है। और फिर उसके बाद सब भक्त लोग पूजा करने लगे, और प्रभुपाद कहने लगे देखो ये मलेच्छ लोग हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे पूजा करनी है, लेकिन जगन्नाथ आप एडजस्ट करिए, कुछ कुछ हम उनको पद्धतियाँ सिखा रहे हैं। तो भक्त लोग किसी तरह से जगन्नाथ की सेवा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था कि ये भगवान है, सारे भक्तों को विश्वास था कि ये भगवान ही है। इसीलिए एक बार प्रभुपाद यहाँ पर आते हैं, जब मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब है। प्रभुपाद बोले कहाँ गए ये लोग, तो सारे भक्त लोग बोले उनको, कुछ भक्त वहाँ पे थे, कह रहे जगन्नाथ यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, इसलिए हम उनको सी बीच में घुमाने लेके गए हैं, दिन में मंदिर में बैठे रहते हैं ना। प्रभुपाद बोलते तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, अरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एक बार जहाँ स्थापित हो जाते हैं वहाँ से फिर कहीं नहीं जाते हैं, आप सी बीच घुमाने लेके जा रहे हैं उनको, हाँ ये कोई बात होती है, भगवान है। तो फिर प्रभुपाद मन में सोचते हैं कि अगर भगवान को बाहर जाना ही है तो क्यों ना रथ यात्रा की जाए, और यहां तो कलकत्ता में प्रभुपाद ने रथ यात्रा की ही थी। तो वो विचार करने लगते हैं कि कैसे रथ यात्रा होगी, और उस तरह से जब प्रभुपाद मन में विचार करते हैं तो फिर अचानक से उनको वहां पे एक फ्लैट बेड ट्रक दिखाई पड़ता है लंबा सा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हमारा रथ होगा, और जैसे ही प्रभुपाद बोलते हैं सारे भक्त लोग व्यवस्था कर देते हैं फ्लैट बेड ट्रक की, बोले ये हमारा रथ होगा और इसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जाएंगे, सारे भक्त लोग कीर्तन करेंगे। तो सारे भक्त लोग बोलने लेकिन जब फ्लैट बेड ट्रक यहाँ वहाँ घूमेगा तो जगन्नाथ तो यहाँ वहाँ हिलेंगे। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं है, हम जगन्नाथ की दामोदर लीला करेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वहाँ से ट्रक से बांधा गया, और इस तरह से रथ यात्रा वहाँ पर निकाली गई, और सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि ट्रक ऊपर चढ़ रहा था,
तो अचानक से लग रहा था कि अभी ट्रक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और ट्रक नीचे को आने लगा, क्योंकि ट्रक बहुत पुराना था। तो प्रभुपाद बोलने लगे, देखो ये लीला जगन्नाथपुरी में भी होती है, यहाँ पे भी हो रही है। जगन्नाथपुरी में भी कई बार जगन्नाथ चलते चलते रुक जाते हैं और फिर बहुत परिश्रम करने के बाद ऊपर जाते हैं, यहाँ भी जगन्नाथ वैसी लीला कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी की। और फिर धीरे धीरे करके पूरे विश्व में रथ यात्रा चालू हो गई, खासकर जो लंदन में जो रथ यात्रा चालू होती है वो तो अपने आप में एक प्रमाण है कि रथ यात्रा कैसे चालू हुई है। तो ये सब भक्तों से ही हमने सुना है। तो एक भक्त बता रहे थे कि जब उनको परमिशन लेने के लिए जाना था तो सबको कन्विक्शन था कि परमिशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस पूरे विश्व में विख्यात है स्ट्रिक्टनेस की वजह से। जर्मनी के मैकेनिकल इंजीनियर्स और ब्रिटेन की पुलिस, पूरे यूरोप में पता है कि इनसे डील नहीं कर सकते। तो उनको सब लोग कन्विंस थे कि नहीं मिलने वाली, फिर भी एक भक्त परमिशन लेने के लिए गया। और परमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ को प्रार्थना करके गया और जगन्नाथ को प्रसाद लेके गया। पहले आदमी के पास गए, सिक्योरिटी गार्ड के पास, बोले हमको एक परमिशन चाहिए। बोले बैठो, इतने आराम से थोड़ा मिलती है। उसने तुरंत जगन्नाथ का प्रसाद दिया, प्रसाद खाया उसने, बोला परमिशन मिल गई, आगे जाओ। दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, बोला परमिशन चाहिए। तो बोले परमिशन चाहिए? बोले तुम घुसे कैसे पहले ये बताओ। कह रहे बाद में बताऊंगा, पहले प्रसाद खाओ। प्रसाद खाया, बोला अंदर जाओ। तो ऐसा करते करते वो फाइनली जिस व्यक्ति को परमिशन देनी थी, शायद मेयर था, उसके पास पहुंचे। उसको बोला परमिशन चाहिए। तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि तुम अंदर तक आए कैसे? बोले प्रसाद की वजह से, तुम भी खाओ। तो उसने भी प्रसाद खाया और प्रसाद करके खा के उसकी ऐसी बुद्धि भ्रमित हो गई, वो कहने लगा कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पर साइन कर देता हूँ। तो तुरंत वो साइन कर देता है और हमारे भक्त लोग परमिशन लेके तुरंत उसको क्या करते हैं, लेमिनेट करा के अपने पास रख लेते हैं। अभी तक वो लेमिनेट करके रखा हुआ है अपने पास। और उसके बाद से जगन्नाथ रथ यात्रा, जैसे हमारा इंडिया गेट के सामने वाला जो रोड है, मेन रोड है, राजमार्ग है भारत का, तो उसके पास से ही हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जहाँ से किसी और को निकलने की इजाज़त नहीं है। और जब वो निकलती है कई घंटों तक ट्रैफिक लगा रहता है। जगन्नाथ स्वामी की। और एक बार कुछ रिपोर्टर ने पूछा भी प्रभुपाद को, कहने लगे कि ये कैसे भगवान है आपके, जब निकलते हैं इतना बड़ा ट्रैफिक लग जाता है, क्या वो छोटी सी कार से नहीं आ सकते, इतनी बड़ी गाड़ी से आने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, यू आर ए स्मॉल मैन, यू हैव ए स्मॉल कार, ही इज ए बिग मैन, ही हैज बिग कार। तुम छोटे आदमी हो, तुम्हारी छोटी कार है, ये बड़े आदमी इसलिए इनकी बड़ी कार है। जगन्नाथ स्वामी की। तो इसलिए जब जगन्नाथ निकलते हैं सब आसपास ट्रैफिक हो जाता है। वहां छोड़िए, कलकत्ता में भी भगवान अद्भुत लीला करते हैं। तो एक लीला हम आपको कलकत्ता की सुनाते हैं। तो ये 1978 की बात है। तो जो भक्त रथ का निर्माण कर रहे थे, तो वो काफी प्रसिद्ध थे, अपना जो अभी भी हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है वो समय का है, 1978 का है। तो जब वो आए तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया हमारे रथ में, और उसके बाद जो अपनी कैनोपी है अभी ऊपर नीचे चली जाती है उसकी वजह से, अभी तो खैर कई बार लोग चढ़ जाते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह लगाना, ये सब कैनोपी लगाना हटाना, ये सारा सिस्टम उन्हीं ने बनाया हुआ था। तो वो बताते हैं कि जब वो उस समय आए रथ यात्रा के समय, तो रथ तीनों अच्छे से बनाए थे, लेकिन जैसे ही मंदिर के सामने से रथ निकला, कुछ ही दूरी में जाके टूट गया। पहले तो क्या था, वो जैसे ही पहुंचे, हमारे सारे भक्तों को पता है कि हमारे यहाँ का मलेरिया बड़ा प्रसिद्ध है। जब हम मंदिर में आए थे, ज्वाइन किया था, तो हमारे एक भक्त ने बोला, मलेरिया हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कि अभी आपकी ज्वाइनिंग पक्की नहीं है, यहाँ पर जब तक किसी को मलेरिया नहीं होता तब तक ज्वाइनिंग पक्की नहीं होती है। तो वो आए तो उनको मलेरिया हो गया, और वो कहने लगे नहीं नहीं हम रथ को नहीं चला पाएंगे। भक्त लोग बोले कोई और ड्राइवर नहीं, आपको ही चलाना पड़ेगा।
तो वो आगे बढ़े, रथ पे बैठे और किसी तरह बोला, जगन्नाथ आप ही शक्ति दीजिए, हमको पता नहीं हम कैसे चलाएंगे। तो किसी तरह से चला रहे थे, और इससे पहले कि वो ब्रेक लगा सके क्योंकि बीमार थे, सारे जो खींचने वाले थे, रथ खींचने वाले, वो पूरा का पूरा उत्साह में थे, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। और ऐसा रथ खींचा कि इससे पहले वो ब्रेक लगा पाए, रथ जाके साइड में जाके रोड से जाके टकरा गया और पहिया गया टूट। अभी उनका दिमाग खराब, बोले कि नीचे गए, पहिया देखा, बोला इसका रिपेयर नहीं होने वाला है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो आए और सीधे जाके, अभी भी जो हमारे भक्तिवेंद्र आश्रम की छत है वहां पे जाके सो गए, और सब लोग वहां इकट्ठा हो गए, सारा जमावड़ा लग गया। बोले कि रथ कैसे चलेगा, रथ कैसे चलेगा, उनसे पूछने लगे सब लोग, रथ कैसे चलेगा। वो बोले क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, जगन्नाथ को कार में बैठाओ, मैदान तक लेके जाओ, चलने वाला नहीं है। तो वो कहने लगे रथ नहीं चलेगा तो लोग भी नहीं चलेंगे, लोग वहीं पे सोएंगे, ये कलकत्ता है, ये आपका विदेश नहीं है। तब वो सोचने लगे, वो दिमाग लगाने लगे क्या करना चाहिए। तो उस समय जो अन्य भक्त लोग थे वो सबके सब उनसे बोले, बोले आपकी बुद्धि थी रथ को बनाने की, अब रथ का पहिया टूट गया है, जगन्नाथ को कैसे लेके जाना है वो भी किसकी किसका काम है, आपका ही काम है। तब बड़ी मुश्किल से जब वो बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि ट्रक यहाँ वहाँ चल रहे हैं, उस समय जो स्पेशल ट्रक थे, खासकर जो वो नाम में भूल गया उसको, जो उठाने वाला होता है ट्रक, ट्रेलर, हाँ ट्रेलर, ट्रेलर था, तो वो वहाँ पे था। तब उन्होंने, उनके मन में आइडिया आया, तो वो बोले कि ट्रेलर में जगन्नाथ को बैठाएंगे और इंजन ऑफ कर देंगे, और सारे भक्त लोग, उन्होंने क्या किया, इंजन के सामने रस्सी लगाई, तो ब्रेक किसका चल रहा था, ट्रेलर का चल रहा था, लेकिन बोले कि गाड़ी चालू नहीं होगी, गाड़ी कौन खींचेगा, सारे भक्त लोग पूछेंगे जगन्नाथ स्वामी की। तो ये 1978 की स्पेशल रथ यात्रा है, जगन्नाथ ट्रेलर में जाते हैं, और इस तरह से भगवान सारे भक्त लोग उसको खींच खींच के मैदान तक लेके जाते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा अपने आप में बड़ी अद्भुत है, भक्त लोग जो आते हैं उनको लंबे समय तक याद रहता है, और बहुत सारे भक्त लोग हैं जो जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर ही भक्त बने हैं, पहले भक्त नहीं थे। तो इन शब्दों के साथ हम यहाँ विराम देंगे, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ रथ यात्रा की, श्रील गोपाद की, नितय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।